व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है कपिल पाटले एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, जॉइन द फैमिली। तो जो एक्साइटमेंट कल था वो आज भी है, और जो कल का वर्कआउट था वो काफी तगड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी सोर हो जाएगी, मुझे पेन होगा, मैं हाँफने लगूंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड आई थिंक द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैं पिछले 3-4 महीनों से बड़ा नहीं हुआ था। बस मैं बॉडी वेट वर्कआउट कर रहा था, थोड़े बहुत वेट्स मैंने जुगाड़ लिए थे, मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, उसकी वजह से मेरी बॉडी काफी फ्री थी, यूज टू थी, और मेरी स्ट्रेंथ भी उतनी कम नहीं हुई है जो कि हो जाती है 3-4 महीने में पड़े पड़े। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा सा ज्यादा हैवी करूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है, कोई बॉडी मसल स्टोर नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं आई कैन गो लिटिल हैवी। अगर आप 3-4 महीने से बस कुछ नहीं कर रहे थे, पड़े हुए थे, तो आई हाईली रिकमेंड कि अभी भी एक हफ्ता तक आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते रहें और ज्यादा हैवी ना जाएं, लो इंटेंसिटी रखें। बहुत इंजरीज और मसल सोर होने के बहुत चांसेस है। तो कल मैंने डेडलिफ्ट नहीं किया, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं डेडलिफ्ट करूँ और थोड़ा सा हैवी जाऊँ। मेरा पीआर है 110 kg, जो मैंने 5 महीने पहले मारा था, तो आज 110 kg ऑब्वियसली हो तो पाएगा नहीं, तो मैं एटलीस्ट 70-80 kg मारने का ट्राई करूंगा और बाकी कंपाउंड एक्सरसाइज लगाऊंगा। आई विल गेट रेडी सून। तो प्री वर्कआउट के लिए कल के जैसे मैं खा रहा हूँ 1.5 बनाना, क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। और आधे बनाने का तो आपको अभी तक पता चल गया मैं क्या करने वाला हूँ, तो लेट मी फिनिश इट। और हाँ, कल के ब्लॉग में भी मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, जूते अलग से ले जाएं। ट्राई योर बेस्ट टू कीप योर जिम साफ सुथरा अपने तरफ से, क्योंकि इट्स हाई टाइम, क्योंकि जिम ऐसी जगह है जहाँ पे फैल सकता है ये महामारी कोरोना जिसे कह रहे हैं। तो प्लीज़ अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाएं और जूते बैग में डाल के लेके जाएं। सो आई एम रेडी नाउ। कल की तरह आज भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट कांट स्टॉप अस। हल्की हल्की हो या जोर जोर से, जिम जाना कोई नहीं रोक सकता। तो चले, सी यू एट द जिम। भाई हेलमेट का मैं, प्लेस है बहुत छोटा है, गांव है नाम में ही, कोंडा गांव है, तो आप इतना टेंशन ना ले हेलमेट का। तो फाइनली वी आर हियर इन द जिम और हम करने वाले हैं स्टार्ट डेडलिफ्ट से। आफ्टर दैट मूव ओवर टू इंक्लाइन बारबेल प्रेसेस, उसके बाद 1 आर नंबर रो, क्लोज ग्रिप, लैट पुल डाउन, सबके 4 सेट 12-12 रेप्स के लगाने वाले हैं हम। तो लेट्स गेट इनटू द वर्कआउट।
एक वो तो अमेजिंग वर्कआउट, मैंने सोचा था मैं डेडलिफ्ट अराउंड 70-80 किलो मार लूँगा, बट मैंने 85 केजी मारा और टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी ईजी था। तो मैंने जब कहा था कि मेरा PR 110 केजी था 4 महीने पहले, वो भी मैं आसानी से मार रहा था, बट जब मैं 120 का अटैम्प्ट कर रहा था तो मेरा फॉर्म थोड़ा सा बिगड़ जा रहा था, तो मैं अटैम्प्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं ऑलवेज ज़्यादा प्रेफरेंस फॉर्म को देता हूँ वेट से ज़्यादा। बट आपका भाई कपिल आपको प्रॉमिस करता है कि 1.5 महीने के अंदर मैं 130 केजी का डेडलिफ्ट अटैम्प्ट करूँगा और मैं करके ही रहूँगा। आवाज अभी कर रहा है कार्डियो, मैं कार्डियो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शाम को मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ तो मेरा अच्छा खासा कार्डियो हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज का वर्कआउट ख़त्म होता है यहीं पे। प्रोटीन डालते डालते एक चीज़ हो गई मेरे साथ, मेरा थोड़ा सा प्रोटीन मिल गया है, अगर ये साफ़ सुथरा होता तो मैं इसे चाट लेता, बट गंदा है, जिम का फ्लोर है। एनीवेज, सी यू एट होम। तो पिछले 2 महीनों से मैं ये चिकन रेसिपी अपने डाइट में हर दिन इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं लंच में हमेशा ये चिकन ब्रेस्ट खा रहा था और फ्रीक्वेंटली फोटोज पोस्ट कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि भाई चिकन रेसिपी बता दो। मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक दिस चिकन ब्रेस्ट। भी काफ़ी सिंपल है, मैं जब से घर में आया तो मैरिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, जब मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैं मैरिनेट नहीं करता। तो मैं कैसे मैरिनेट करता हूँ ये चिकन, तो जो पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो ये चिकन है इसे अच्छे से धोएं, क्योंकि चिकन में ढेर सारी बैक्टीरिया रहती है। तो पहले ये चिकन को अच्छे से धो लें, और चिकन धोने से पहले अपने हाथ धो लें। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे पहले ऐड करने वाला हूँ 130 ml कर्ड। कर्ड को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाए। कर्ड ऐड करने के बाद मैं ऐड करने वाला हूँ जिंजर गार्लिक अनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट। ये रात को ही मैंने कल बना लिया था, तो दिस इज़ अराउंड 90 grams, तो मैं ये ऐड करने वाला हूँ। इसके लिए टैंगी फ्लेवर के लिए मैं 1 मिनट यूज़ करने वाला हूँ। वैसे ये लेमन थोड़ा अजीब है, इतना बड़ा है, तो मैं आधा यूज़ कर रहा हूँ, वो हाथ में ही नहीं आ रहा है मेरे। तो ये लेमन मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ये बचा हुआ, तो इसको भी अपने हाथ से जितनी ताकत लगा उतनी लगा के ऐड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ हल्दी, ज़्यादा नहीं, 2 स्पून हल्दी ऐड कर रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ कोरिएंडर। एंड एट लास्ट मैं थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड करने वाला हूँ। जो नॉर्मल टाटा सॉल्ट जो रहता है घर में यूजली सब इंडियंस के, मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करता हूँ, और इसकी वजह मैं कभी फिर आपको बताऊँगा दूसरे ब्लॉग में। थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड कर लिए स्वाद अनुसार। तो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आप डाल देंगे तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको थरोली आप मिक्स करें। तो मेक श्योर आपकी हाथ साफ है। कि मुझे अपने चिकन ब्रेस्ट लंबे लंबे पसंद है, इसलिए मैं लंबे लंबे पीसेस कटवाया हूँ, पतले पतले लंबे लंबे, आप छोटे छोटे भी पीस करा सकते हैं, इट्स योर विश। पूरा मसाला चिकन के अंदर घुस जाना चाहिए। तो अभी बज रहा है 10:30, तो मैं ये लंच में खाऊंगा, तो अराउंड 2-2:30 बजे मैं लंच करूंगा। आधा केजी चिकन है तो मैं पूरा आधा केजी एक ही दिन में नहीं खाऊंगा, मेरे 3 टाइम के लिए ये काफ़ी है इतना चिकन। तो द लॉन्गर यू कीप द बेटर इट टेस्ट। रीज़न वाई मैं इसमें ज़्यादा कट आता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा फैट है दही में, तो ये उसी से ही पक जाएगा, और चिकन का भी अलग से पानी निकलता है तो उससे भी चिकन पक जाते, तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 2:00 को मैं इसको कुक करूँगा और आपको बताऊँगा हाउ आई कुक इट। 2 बज चुके हैं और इट्स टाइम फॉर अस टू कुक दिस चिकन। तो step number 1, चिकन को डालने से पहले अपने पैन को प्री हीट कर लीजिए। आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। तो आई नो ऑलिव ऑयल काफी एक्सपेंसिव है, ट्रस्ट मी, मैं खुद ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पिछले 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मॉम मुझे बहुत एंकरेज करती है फिटनेस में, तो मेरी मॉम ने मुझे खरीद के दिया है। लेकिन पिछले 3 साल से मैं कोकोनट ऑयल या फिर घी या फिर सरसों का तेल यूज़ करता हूँ, तो उससे भी काम बन जाता है। ऑयल को अच्छे से फैला लें पैन में। तो जब ऑयल गर्म हो जाता है तब मैं थोड़ा सा जीरा डालता हूँ। मैरिनेशन में ऑलरेडी ऑनियन जिंजर ग्रीन चिली डले हुए हैं, तो डैट इज़ वाई मैं सिर्फ जीरा डालता हूँ। तो जीरा लाल होना स्टार्ट हो गया है, जैसे ये लाल होता है वैसे ही मैं डालता हूँ चिकन।
सो एक और टिप, चिकन जब आप इसमें डालते हैं तो चिकन को हमेशा धीमे आंच में पकाएं, क्योंकि चिकन अच्छे से पकता है और उतना ही सॉफ्ट बनता है। चिकन जब पकने लगता है तो मैं इसमें डालता हूँ टमाटर, और टमाटर मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है और इसमें ढेर सारे विटामिन सी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोथ सीरियसली। चिकन मेरा पक चुका है, इसमें मैं डालने वाला हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट मिक्स्ड हर्ब्स। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे छोटे से टाउन में ये मुझे मिलेगा, बट मिल गया, इम्प्रेसिव। सो फाइनली माय चिकन इज रेडी, और ये है मेरा लंच। इसमें है 250 ग्राम ऑफ वाइट राइस, मैरिनेटेड चिकन, और ये सब्जी मेरी मॉम ने बनाया, शी ट्राइड समथिंग न्यू। ये बेबी बैम्बू स्टिक है काले चने के साथ, ये मैं खाने वाला हूँ लंच में। गिव इट अ ट्राई, ये रेसिपी बनाइए घर में, आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैं अब ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपकी जितने भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज हैं मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पीस।